हेलो दोस्तों, स्टूडियो विद जीनियस में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर हमारा आज 9th सेक्शन सेशन होने वाला है और 9th सेशन में वेरी आईएमपी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि परीक्षा में 100% क्या होगा 100% बोले तो आप इसको 100 स्टार दे सकते हैं, छपने वाला क्वेश्चन। सबसे पहले आज का प्रश्न है हमारा कि गॉस थ्योरम क्या है, गॉस प्रमेय क्या है। हम इसे इसका लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद इसको प्रूव करेंगे। लेकिन गॉस प्रमेय से पहले गॉस प्रमेय किसने दी है तो आप कुछ इसके बारे में बेसिक्स आप ही नोट कर लेंगे। आप कहेंगे कि किसी भी विद्युत किसी भी पृष्ठ से उसका विद्युत फ्लक्स और उसका जो आवेश होता है उसके बीच में संबंध क्या दर्शाता है, हमारा गॉस प्रमेय उसके बीच में एक संबंध दर्शाता है। गॉस प्रमेय की उदाहरणें किसने दी थी तो हम कहेंगे कार्ल फ्रीडरिच गॉस। क्या? कार्ल फ्रीडरिच गॉस करके एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें कहा, हमें एक संबंध दिया। किस में दिया? विद्युत फ्लक्स फाई में और उसके उपस्थित आवेश में एक संबंध दिया। उस संबंध इन दोनों के बीच में एक इंटरकनेक्टिविटी को उन्होंने जो है नोटेट किया, दर्शाया। इसी को हम कहते हैं गॉस प्रमेय। अब गॉस प्रमेय, सबसे पहले हमें गॉस प्रमेय का कथन याद होना चाहिए कि गॉस प्रमेय क्या कहती है। गॉस प्रमेय कहती है कि यार जो भी किसी भी वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से क्या कहता है, वो कहता है कि वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है फाई, जो फाई होता है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, वो उसके आवेश का 1/ε गुना होता है। क्या बोलता है गॉस प्रमेय का कथन? कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से वायु या निर्वात में अगर बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/ε गुना होता है। क्या होता है? 1/ε गुना होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हेडिंग गॉस प्रमेय है, गॉस प्रमेय में आप लिख लेना कार्ल फ्रीडरिच गॉस ने यह थ्योरम दी थी और उन्होंने फाई और आवेश के बीच में, विद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में क्या किया, संबंध प्रदर्शित किया, ठीक है। तो गॉस प्रमेय ना प्रमेय प्रमेयानुसार क्या कहता है उसका कथन है इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, ठीक है। लिखिएगा वायु या निर्वात में किसी वायु या निर्वात में किसी बंद किसी बंद पृष्ठ से किसी सॉरी बंद लिख दिया मैंने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण क्या गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है।
इन्वर्टेड कामा क्लोज। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि वायु या निर्वात में एनी क्लोज सरफेस से क्या हो रहा है, गुजरने वाला जो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसमें जो भी हमारा चार्ज रहेगा, चार्ज का कितना गुना रहेगा, मल्टीपल बाय रहेगा 1/ε0 गुना रहेगा। ये तो हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, कि यदि विद्युत फ्लक्स क्या हो, फाई, ठीक है, आवेश क्यू हैं, तो प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं हम, प्रमेय के अनुसार क्या कर सकते, क्या लिख सकते हैं हम प्रमेय के अनुसार, हम प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। क्या लिख सकते हैं हम, फाई इज इक्वल टू 1/ ठीक है, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। आप लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया हो तो मैं इसे मिटाता हूँ और इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करते हैं, पहले आप लोग पूरा क्लियरली समझ लीजिएगा, उसके बाद ही हम नोट करें। देखो, मान लो कि ये मैं कोई एक विद्युत क्षेत्र लेता हूँ, ठीक है, पूरा सरफेस मान लेते हैं ये एस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक छोटा सा पार्ट हम इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एरिया डी एस। क्या हो गया, ये हमारा एरिया हो गया डी एस, ठीक है। यहाँ पर कोई आवेश रखा है ओ पर प्लस क्यू, इस पॉइंट को, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में ये हो गया बिंदु पी, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एरिया, और एरिया के क्या होता है हमारा, ये तो हो गया हमारा एरिया, एरिया के जस्ट परपेंडिकुलर अभिलंब लेना है, मतलब इस क्षेत्र में हम ले लेते हैं ई, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल मान लेते हैं हम, हमारा एंगल क्या है, थीटा। क्या है हमारा एंगल, थीटा। यहाँ से जो हमने जो एरिया लिया है ये है हमारा डेल ओमेगा, क्या है, यह है डेल ओमेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, घन कोण, क्या कहते हैं डेल ओमेगा को, घन कोण, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में इस छोटे से क्षेत्र में विद्युत फ्लक्स, टोटल विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई इंटू ई डी एस, ई इंटू डी एस, वैक्टर मल्टीप्लीकेशन, जब हम वैक्टर मल्टीप्लीकेशन को हटाते हैं तो ई डी एस कॉस थीटा हो जाता। अब चूंकि बिंदु P पर जो रखा है वो मान लेते हैं हम कितनी दूरी पर रखा है, R दूरी पर, कितनी दूरी पर रखा है वो, स्मॉल R दूरी पर। तो आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन जानते हो, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r2, Q/r2। तो इस E की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/r2 इंटू डी एस कॉस थीटा, ठीक है। चूंकि ये भी जो भी हमारा विद्युत फ्लक्स था, ये हम एक स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे थे, किसके लिए निकाल रहे थे हम, एक स्मॉल एरिया डी एस के लिए। अब आपको जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए वो बिल्कुल पूरे एरिया के लिए चाहिए,
जब किसी भी चीज का बड़ा रूप निकालते हैं हम छोटे रूप से, तो क्या करते हैं उसका करते हैं इंटीग्रेशन। क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। और जब किसी भी बड़े रूप से किसी चीज के छोटे रूप को निकालते हैं तो हम उसका क्या करते हैं? डेरिवेशन। तो मैं फर्दर इस जो पूरा जो हमारा डेरिवेशन है इसका क्या कर दूंगा, इस पूरे डेरिवेशन का मैं कर दूंगा इंटीग्रेशन। तो देखो टोटल फाई निकालने के लिए जो हमारा डेल फाई है उसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। जो ऐसी स्थिति में जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, फर्दर इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी एस कॉस थीटा और ये हो गया इंटू आर स्क्वायर। सॉरी, ठीक है। जब ऐसी स्थिति में हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो जो भी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी? बाहर। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू जो है हमारी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है ये? हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। अब ऐसी स्थिति में डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर अंदर रह जाएगा तो ये हो जाएगा डी एस कॉस थीटा और इंटू आर स्क्वायर। चूंकि एक चीज होती है घन कोण, क्या होता है? एक क्या होता है? घन कोण। यह हम उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या होता है? सॉलिड एंगल। तो वो जो सॉलिड एंगल रहता है उसको कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं उस सॉलिड एंगल को? ओमेगा। और उस ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है? उस ओमेगा की वैल्यू रहती है इंटीग्रेशन डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या रहती है? सॉरी, डी एस ये रहती है उसकी वैल्यू। जब स्मॉल एरिया के लिए निकाल रहे तो स्मॉल हो गया। ये जो घन कोण रहता है इसकी वैल्यू रहती डी ओमेगा। ऐसे स्थिति में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ये क्या है हमारा? ये है सॉलिड एंगल। क्या है ये? ये है हमारा सॉलिड एंगल, बोले तो घन कोण। ठीक। पर क्या होता है जब हम किसी भी सॉलिड एंगल का, किसी भी घन कोण का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है? उसकी वैल्यू आती है 4 पाई। तो यहाँ से मैं एक और फाई डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4 पाई। ठीक है। ऐसी स्थिति में जो हमारी इक्वेशन चल रही है फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू इंटू 4 पाई। अब आप लोगों को दिख गया होगा कि 4 पाई से हम 4 पाई अगर कैंसिल करते हैं तो फाई इज इक्वल टू क्या बचता है? फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/0। यही क्या है? क्या है? यही हमारी गॉस थ्योरम है। पर अगर वो आपसे पूछ लेता है कि यार, कि पूछ लेता है वो कि कभी उसमें परावैद्युतांक अगर उपस्थित हो तो क्या कहेगा वो? अगर इसमें परा, ये तो हो गया ये तो हो गया वायवीय निर्वात में, और फाई इज इक्वल टू क्यू 1/0 कैपिटल के, ये हो गया ये क्या हो गया? ये जो है हमारा हो गया माध्यम की उपस्थिति में। कैसी स्थिति में हो गया? माध्यम की उपस्थिति में। आप लोगों को कहीं डाउट आया हो, आप लोगों ने सोच रहे होंगे कि डी ओमेगा कहाँ से आया, ये घन कोण कहाँ से आया? तो ये घन कोण डी ओमेगा की वैल्यू होती है डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे सिलेबस में नहीं है।
ये स्मॉल घन कोण होता है, जब उसका हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 4π। कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, सबसे पहले तो हम फाई जानते हैं, बड़े एरिया का पूरा फाई था, छोटे एरिया का डी फाई ले लिया, इनटू डीएस डॉट मल्टीप्लिकेशन, डॉट हटाएंगे कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा हटाया तो ई आ गया, ई की वैल्यू को पुट अप करा, जब ई की वैल्यू को पुट अप करा तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू है हमारी डी फाई की, स्मॉल एरिया। पर हमें क्या करना, हमें पूरे एरिया का निकालना है, तो पूरे एरिया का फाई इज इक्वल टू स्मॉल डी फाई कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन करते हुए यहाँ पर आए डी एस कोस थीटा अपन आर स्क्वायर को हमने लिखा डी ओमेगा, डी ओमेगा का फिर इंटीग्रेशन करा तो होता है 4π कैंसिल, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0। ये हो गया वायु या निर्वात। कभी आपसे उसने पूछ लिया कि कोई भी मीडियम अगर प्रेजेंस ऑफ मीडियम तो Q1/ε0 और K उसका परावैद्युतांक, क्या हो गया माध्यम का परावैद्युतांक। तो सबसे पहले तो आप लोग ये चित्र बना लेंगे, चित्र बनाने के बाद मैं जो नोट कर रहा हूँ वो नोट कर लेंगे, क्या करेंगे हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने चित्र बना लिया हो तो मैं नोट करता हूँ, चित्र बनाने के बाद नोट करना। उक्त चित्र में माना कि एक S एक क्या है, बंद पृष्ठ है, क्या है, S एक बंद पृष्ठ है जिसके अंदर बिंदु O पर क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश जो है रखा हुआ है, ठीक है। अब प्लस क्यू आवेश रखा है तथा बिंदु O से आर दूरी पर ओ आर दूरी पर एक अल्प पृष्ठ डीएस पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तब ई है, तब विद्युत अल्प, तब अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स क्या है, तब अल्प पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ये हो गया, यहां से यहां आ गया, क्योंकि हम जानते हैं कि इज इक्वल टू ये होता है। तब यहां तक नोट कर लेना, और यहां नोट करने के बाद यहां फिर से मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, क्या करेंगे हम लिखेंगे, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया आपने, फिर वहां लिखना आप लोगों ने यहां तक नोट कर लिया हो तो यहीं लिखना इसके बाद, तब संपूर्ण पृष्ठ एस से संबंधित विद्युत फ्लक्स, ठीक है। जब ये नोट कर लो तो उसके बाद ये पूरा नोट करके और यहाँ पर लिखना, क्या लिखोगे यहाँ पर इसके नीचे, यही क्या है, गॉस प्रमेय, क्या है,
यही गास प्रमेय है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब बस एक स्मॉल सा पार्ट और बचा है हमारे चैप्टर में, अब ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। बहुत सारा 80% पार्ट, लेकिन वेरी आईएमपी चीज़ें जो हमारे चैप्टर की है वो हो गई। अगर आप यहाँ तक भी इस चैप्टर को क्लियर करते हो तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि 99% अपना चैप्टर जो है क्लियर हो गया, आपको आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में या किसी भी क्लास में, स्टडी विद जीनियस के किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो। स्टडी विद जीनियस के साथ बने रहने के लिए आप सभी को शुक्रिया, धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी इन क्लासों को देखने के लिए बोल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।